हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। रेलवे इंजीनियरिंग के 75th एडिशनल लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं डिग्री ऑफ कर्वेचर के बारे में। इस लेक्चर में हम इस टेक्निकल टर्म के बारे में जानेंगे, डिग्री ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इस पूरी ज्योमेट्रिकल शेप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं, डिटेल में डिस्कस करते हैं इस टॉपिक के बारे में। डिग्री ऑफ कर्वेचर, डिग्री ऑफ कर्वेचर एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि हमारे रेलवे इंजीनियरिंग में काफ़ी यूज़ हो रही थी। डिग्री ऑफ कर्वेचर को आपने जो है ट्रैक ज्योमेट्रिक्स के लेक्चर्स यानी कि कर्व वाले जो लेक्चर थे उसमें काफ़ी देखा होगा, क्योंकि उसमें इसका इंपॉर्टेंट रोल है। डिग्री ऑफ कर्वेचर इस टर्म को लेकर स्टूडेंट काफ़ी कंफ्यूजन में रहते हैं, एक्चुअली में जो होती क्या है। तो चलिए इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। द डिग्री ऑफ कर्वेचर इज डिफाइंड एज द सेंट्रल एंगल टू द एंड्स ऑफ एन एग्रीड लेंथ ऑफ इधर एन आर्क और ए कोड। हमारे पास कोई आर्क या फिर कोड है, उस पर जो है हमने एक लेंथ कंसीडर कर ली है, एक एग्रीड लेंथ, मतलब हमने जो है फिक्स कर लिया है कि पर्टिकुलर लेंथ से लेकर आगे तक जो हमारा पॉइंट जहाँ पर वो लेंथ ख़त्म होगी उसके बीच का जो सेंट्रल एंगल होगा उसे हम कहेंगे डिग्री ऑफ कर्वेचर। जैसे इस कंसेप्ट को इस डायग्राम की मदद से समझते हैं काफ़ी आसानी से हमें समझ आएगा। जैसे आप ये देख रहे हो, ये है हमारा एक रेलवे ट्रैक जो कि एक कर्व बना रहा है, आर्क बना रहा है। हमने जो है इस रेलवे ट्रैक में यहाँ पर ए पॉइंट कंसीडर किया और यहाँ तक का जो है बी पॉइंट कंसीडर कर लिया, जिसका जो डिस्टेंस है 100 फुट कोड। तो ये इसका जो पिछला डिस्टेंस होगा वो 100 फुट है। तो इसके बीच में जो एंगल बन रहा है हमारी आर्क का, इस ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक का, तो उसे हम कहेंगे डिग्री ऑफ कर्वेचर। इसे ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, जो इसका सेंटर होगा, सेंटर पर जो है हम एक लाइन अज्यूम करेंगे और ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट जहाँ पर जो है जो आपस में कट कर रहे हैं, यानी कि जो परपेंडिकुलर लाइंस है, जो हमारा रेडियस है एक पर्टिकुलर आर्क का, जहाँ पर जो रेडियस आपस में कट कर रहे हैं एट द सेंटर ऑफ दिस आर्क, तो उस पॉइंट को हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ से लेकर हम जो है इसका मेजरमेंट ले सकते हैं कि इसका इंटरनल एंगल कितना बन रहा है, कितने डिग्री में इसका एंगल आ रहा है, उसे हम कहेंगे डिग्री ऑफ कर्वेचर। जहाँ से हम जो एंगल को मेजर कर रहे हैं उसे कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये है हमारा रेडियस, जी आप देख रहे होंगे जो दो लाइंस जो रेडियस है हमारी, और इसे हम इस कंसेप्ट को कहते हैं डिग्री ऑफ कर्वेचर। मुझे उम्मीद है कि जैसे आपको समझ आया होगा। अगर आपका ऐसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन या फिर क्वेरी है तो नीचे कमेंट कर सकते हो, इसका रिप्लाई करने की मैं कोशिश करूंगा। इस लेक्चर में यूज हुए नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और साथ ही साथ हमने रेलवे इंजीनियर के सभी प्रीवियस लेक्चर्स को मिलाकर एक प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर हमारी रेलवे सीरीज पूरी खत्म होती है। रेलवे के हर एक टॉपिक के बारे में हमने जो है डिस्कस कर दिया है, जिसकी प्लेलिस्ट में पूरी की पूरे लेक्चर्स की एक सीरीज आपको मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट नई सीरीज में नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।